सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बनाई गई मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम लगातार अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। सोनीपत में कई दिनों से मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। सोनीपत ओल्ड डीसी रोड पर काफी लंबे समय से बर्फ बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जिनके पास खाद्य विभाग से कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। जिसकी सूचना उड़न दस्ते की टीम को मिली तो टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग, सोनीपत नगर निगम, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ यहां पर संयुक्त रूप से रेड की। छापेमारी के दौरान दोनों फैक्ट्रियों के मालिक खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतर पाए, तो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बर्फ बनाने वाले पानी के सैंपल लिए और जांच के लिए मधुबन लैब भेज दिए। वहीं छापेमारी में शामिल अन्य विभाग भी अपनी अपनी कार्रवाई में जुट गए। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज ओल्ड डीसी रोड पर दो पुराने बर्फ खाना है, हेमराज चोपड़ा एवं नारंग साहब की जो फैक्ट्री है, यहाँ पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड एवं फूड सेफ्टी की संयुक्त टीम द्वारा जांच अभियान जारी है और इनमें प्रयुक्त होने वाला जो पानी है उसके सैंपल लिए गए हैं, लीगल सैंपल्स, और इनके पास लाइसेंस नहीं पाया गया, इनको लाइसेंस का नोटिस थमा दिया गया है। और क्या कमियां मिली? और इनको नोटिस में सब कुछ दे दिया। अन्य विभाग, नगर निगम विभाग की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भी लोग आए हुए हैं और बिजली विभाग के भी आएंगे। लगातार कार्रवाई जारी है। जी, लगातार कार्रवाई जारी है। जो सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो किस चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं मिला? इनके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं है। जो पानी यूज हो रहा था, क्या उसमें गंदगी मिली है? हमने लीगल सैंपल्स लेके और आज इनको लेबोरेटरी के लिए डिस्पैच कर दिया जाएगा।